हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ड्राइंग, और इसको मैं A3 साइज़ के पेपर के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ। और ये मेरा पेपर पूरा 1480 GSM का है, तो इसको मैं ग्रिड मेथड का यूज़ करके करने वाला हूँ। अगर आपको ये वाला रेफरेंस चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ग्रिड बना लेंगे। तो ग्रिड बनाने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी, और हम यहाँ पर 3-3 सेमी छोड़ के मार्क कर लेंगे। तो अब फटाफट से मैं एक क्विक सा ग्रिड बनाऊं। गाइस, हमारी ग्रिड्स ड्रॉ हो चुकी है, और आप इसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना। वीडियो में विजिबल होने के लिए मैंने डार्क से ड्रॉ करी है। तो अभी हम इसको करेंगे हल्का हल्का इरेज। तो इरेज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली इरेजर, डोम्स की एमरिज वाली, और बस टैप टैप करना है और ये इरेज हो जाएगी। तो ग्रिड्स इरेज हो चुकी है, और ग्रिड ऐप का अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम कर लेते हैं नंबरिंग और ऊपर बॉक्स की तरफ। तो नंबरिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें फोटो को ऑब्जर्व करना है कि हमारी फर्स्ट आई कहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारी आई होती है फर्स्ट आई, तो और ये आती है हमारे 7 और 8 के बॉक्स के बीच में। अब ऊपर से हम लोग देख लेते हैं 7 और 8 का बॉक्स ये आ रहा है, मतलब इस लाइन में से। और नीचे से हम अगर देखते हैं तो नीचे से हमारी आ रही है 4 और 5 के लाइन के बीच में। ऊपर से 7-8 और नीचे से 4-5, यानी कि हमारी पहली आई जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। मतलब ऐसे आपको क्या करना है, हर एक बॉक्स को ऑब्जर्व करना है, जो पार्ट उसके अंदर है आपको वो पार्ट को उसी बॉक्स के अंदर ड्रॉ करते जाना है, और काफ़ी सिंपल सी आपकी ये पोर्ट्रेट की आउटलाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। चलो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने बनाई है आई, और नोज़ वाला सीन कट हो गया, तो आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी मैंने पूरी ड्राइंग की वीडियो रिकॉर्ड करी है। बस गाइस, फाइनली हमारी आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक बार आप इसका पूरा रिज़ल्ट देख लो ऊपर से। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ। और इसको बनाने के अंदर मेरे को टोटल टाइम लगा है 1.5 घंटे का, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हो कि मैं इसको कौन से कलर्स करूँ, एक्रेलिक कलर से या फिर ऑयल पेस्टल से या फिर पेंसिल कलर से। और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसको एक्रेलिक कलर से करूँ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।